दीपाज न्यू क्रिएशन में आज कौन से न्यू क्रिएशन का न्यू टॉपिक है, यह तो आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, आज का टॉपिक है ब्रह्म कमल। हेलो नमस्कार, दीपाज न्यू क्रिएशन में आपका स्वागत है। हम तो अच्छे हैं, बताइए आप कैसे हैं। आप सब अच्छे ही होंगे इसी आशा के साथ वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में जो ब्रह्म कमल दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमारे ही घर खिले हैं। बस इसी बार खिले ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार खिले थे। दरअसल हमारी माँ और पिताजी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। उन्होंने बंगले में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं और माँ को इसका एक बस डंठन उपहार स्वरूप में किसी से मिला था और इसके फलस्वरूप ये ब्रह्म कमल के इतने बड़े फूल आ खिले हैं। ऐसे माना जाता है कि ब्रह्म कमल को खिलता हुआ जो भी इंसान देख ले वह सचमुच बहुत ही भाग्यशाली होता है और उस समय उसने मांगी हुई सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह इंसान जीवन भर के लिए सक्सेस और संपत्ति से परिपूर्ण रहता है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। वह इंसान हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखता है और माना जाता है कि ऐसे इंसान के संपर्क में आने वाले या कनेक्टेड जितने भी लोग हैं तो वो भी भाग्यशाली बने रहते हैं। अगर इस रहस्यमयी संजीवनी प्रदान ब्रह्म कमल के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिए। आखिर इस फूल को ब्रह्म कमल ही नाम क्यों दिया गया है, उसके बहुत सारे रहस्य आयुर्वेद एवं औषधि में क्या स्थान है, सभी विशेषताएँ सभी जानकारी बस आपको इस एक ही वीडियो में सटीक रूप से बहुत अच्छे से मिलेगी। ब्रह्म कमल भारत में हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में पाया जाता है। दिव्य फूल भी या इसे देवफूल भी कहा जाता है। ब्रह्म कमल सुख शांति समृद्धि पवित्रता शुभता का प्रतीक माना जाता है। सुख संपत्ति एवं लक्ष्मी वहीं पे वास करती है जहाँ पे यह ब्रह्म कमल जिस घर में खिले हो। इन फूलों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह फूल बस साल में एक बार ही खिलते हैं और कई बार तो यह सालों साल नहीं खिलते और जिनके घर भी खिलते हैं वह घर बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। उस घर के सारे लोगों की सोच बस पॉजिटिव होती है। ज़्यादातर हिमालय की चोटियों में यह फूल पाए जाते हैं पर आजकल बहुत जगहों पर यह फूल खिल जाते हैं। यह अमृत तुल्य संजीवनी स्वरूप देवफूल दिखने में तो बहुत सुंदर कमाल दिखते हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड इसमें समा गया हो। माना जाता है खुद ब्रह्म देवता इसमें वास करते हैं और वो सभी को दीर्घायु का सभी सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे माना जाता है कि खुद ब्रह्म देवता ने देवी पार्वती के लिए इस फूल की निर्मिति की थी। देवी देवताओं के साथ ब्रह्म कमल को लेकर बहुत सारी कथाएँ प्रचलित है। रामायण महाभारत में भी ब्रह्म कमल को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान शंकर जी ने हाथी के गर्दन पर गणेश जी का सिर रखा और ब्रह्म कमल से उन पर पानी के बूंदे छिड़के तो संजीवनी स्वरूप ब्रह्म कमल की वजह से ही गणेश जी को उनकी माँ पार्वती को शंकर जी ने सौंप दिया। ऐसी भी कथा प्रचलित है कि पांच पांडवों की पत्नी द्रौपदी कौरवों द्वारा जब अपमानित हो जाती है तो वह बहुत ही दुखी रहने लगती है, लेकिन जब उनकी नज़र इस ब्रह्म कमल पे पड़ जाती है तो वह अपना सारा दुख सारा दर्द भूल जाती है। तो उन्होंने अपने पति भीम जी से इस फूल की अपेक्षा की तो भीम जी को बद्रिकाश्रम जाना पड़ा बस इस फूल के लिए। बस ब्रह्म देवता के नाम से ही इस फूल को ब्रह्म कमल या देवफूल कहा गया है। देवफूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देवी देवताओं को यह फूल बहुत ही प्रिय था, पसंद था, तो इसीलिए देवी देवताओं का पसंदीदा फूल यानी ब्रह्म कमल या देवफूल। आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व और ऊंचा स्थान है। सभी फूलों का देवदूत ब्रह्म कमल को ही माना जाता है। फूल से जो पानी टपकता है उसकी पंखुड़ियों में से तो वह अमृत माना जाता है। वह पीने से सारी थकान भाग जाती है। पुरानी सर्दी खांसी बुखार इसका चूर्ण बनाकर खाने से बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं कैंसर जैसी बीमारियों को भी भगाने का काम यह फूल बड़ी आसानी से कर देता है। घाव बहुत गहरा हो तो उसे भरने का काम यह फूल करता है। हड्डियाँ मजबूत रहती है इसी फूल की वजह से।
इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, घर में आने वाली बुरी शक्तियों का नाश करता है, जिससे घर में बस पॉजिटिव थिंकिंग या सोच बनी रहे। जो इंसान ब्रह्म कमल को खिलता हुआ देख ले, वो लोग विश्वास से भरे सकारात्मक होते हैं, और यह लोग जिन लोगों से कनेक्टेड होते हैं उन सभी लोगों के लिए लकी भाग्यशाली साबित होते हैं। जीवन में वो सब लोग भी अच्छे से सक्सेस पा लेते हैं। सचमुच ब्रह्म कमल कुदरत ने दिया हुआ एक वरदान है, इसलिए तो बहुत सारी पौराणिक कहावतें कहानियाँ इस पर रची हुई हैं। आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, नाम भी सुने होंगे, पर क्या पता है यह ब्रह्म कमल, जिसे फूलों का सम्राट कहा जाता है, उत्तराखंड का राजपुष्प ब्रह्म कमल को ही कहा जाता है। यह पुष्प हिमालयों की चोटी में पाया जाता है, उसके खिलने पर उसी वक्त पूजा की जाती है। यह फूल पौधों पर इतनी आसानी से नहीं लगते हैं, यूँ समझिए कई साल गुजर जाते हैं। इस फूल की रहस्यमयी बात यह है कि फूल बस आधी रात के बाद ही खिलते हैं, सुबह होने से पहले मुरझा भी जाते हैं। इसी वजह से इस फूल को ब्रह्म कमल नाम दिया गया है। ब्रह्म कमल की और एक रहस्यमयी बात यह है कि यह फूल कहीं भी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ब्रह्म कमल को बेचना या खरीदना यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। जिस किसी के घर में यह फूल खिलता है, वह सुख समृद्धि, शांति और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर इस फूल की डंडी कोई आपको उपहार रूप में देता है, तो उपहार में देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए भी यह फूल बहुत ही शुभ साबित होता है। इस फूल को गौर से देखिए कि यह फूल पत्तों में से ही निकलता है। इस फूल की पंखुड़ियाँ त्रिशूल जैसी लगती है, मानो सारा ब्रह्मांड इसमें समा गया हो। इस फूल को ब्रह्मा जी की नाभि से निकला हुआ फूल कहते हैं। निगेटिविटी को बाहर निकालने का काम यह फूल बड़ी आसानी से कर देता है, और जितने भी प्रॉब्लम्स हो, निगेटिविटी हो, दूर रखने का काम करता है। सभी तरह की बैक्टीरिया को दूर रखने का काम यह फूल आसानी से कर देता है। मेडिसिन यानी कई दवाइयाँ बनाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इस दुर्लभ पुष्प की प्राप्ति बड़ी आसानी से बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे माना जाता है कि जब वह खिलता है, तो स्वयं ब्रह्मदेव की त्रिशूल की आकृति उभर कर सामने आती है, इसलिए देवताओं का यह प्रिय पुष्प है। ब्रह्म कमल यह देवताओं का आशीर्वाद है। जादुई प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दुर्लभ पुष्प की प्राप्ति बिल्कुल इसीलिए आसानी से नहीं होती। ब्रह्म कमल में न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए भूख लगने की प्रॉब्लम भी दूर होती है। अर्क निकाल कर जिसे बुखार है उसे दिया जाए तो बुखार तुरंत कम हो जाता है, तुरंत असर दिखाई देता है। लीवर इन्फेक्शन हो तो वो भी ठीक हो जाता है। फूल पत्ते ये बिल्कुल अमृत के समान होते हैं। इम्यूनिटी पावर अच्छे से बढ़ाता है, वास्तु दोष दूर कर देता है, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उसे भी वह दूर कर देता है। ब्रह्म कमल को क्वीन ऑफ दी लाइट भी कहते हैं, क्योंकि यह रात में खिलता है। इसीलिए ब्रह्म कमल के फूल पौधे बहुत ही शानदार चमकदार दिखाई देते हैं। इस फूल के पत्तियां खाने से हड्डियां मजबूत होती है। यह फूल किसी भी दूसरे फूल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसका अपना एक सुगंध होता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। ज़्यादा तो यह फूल जुलाई, अगस्त, सितंबर में खिलते हैं। सर्व गुणों से संपन्न यह फूल सचमुच संजीवनी प्रदान फूल है, और देखा आपने कितनी सारी रहस्यमयता इसमें छिपी हुई है। ब्रह्म कमल के बारे में जितनी भी प्रचलित कहानियाँ थी, वो तो सारी हमने यहाँ पे सुना दी, और जितनी भी विशेषताएँ थी, इसके औषधि गुण, फिर इसके अलग अलग तरह के नाम, और इसे क्यों कहा जाता है ब्रह्म कमल, ये भी हमने बहुत सारी आपको यहाँ पे जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होगा, यही आशा करते हैं। हाँ, और एक बात कि इसे क्वीन ऑफ दी नाइट भी कहा जाता है, क्योंकि यह आधी रात के बाद ही खिलता है। इसलिए एक जनरल नॉलेज के तौर पे आप ये सब बातें याद रखते हैं।
तो आपके लिए बहुत ही यह वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगा। और एक ज़रूरी बात, सब्सक्राइब लाइक्स करना न करना ये आपकी बस की बात है। बहुत सारे कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब्स, बेल आइकॉन ये सब पाना इस वीडियो का बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन एक अच्छी सोच, अच्छे विचार और जो भी हेल्पफुल यूज़फुल वीडियो है वो बहुत दूर तक फैले रहे, ताकि दूसरों के लिए भी ये यूज़फुल और हेल्पफुल बने रहे। इसके लिए बस आप एक काम कर सकते हैं कि यह वीडियो किसी बस एक को शेयर कीजिए और साथ में मैसेज दीजिए कि वो आगे किसी एक को शेयर करते जाए और ये शेयरिंग का सिलसिला बना रहे, ताकि अच्छी सोच, अच्छे विचार दूर तक फैले रहे, यह शेयरिंग का सिलसिला चलते ही रहे। इसके लिए हमें बस आपका साथ चाहिए। अच्छे विचारों के साथ बने रहना एक अच्छे इंसान की निशानी साबित होती है। चलिए हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में एक न्यू क्रिएटिविटी के साथ, और तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल दीपाज न्यू क्रिएशन। और अभी के लिए बाय।